नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा के बारे में जानते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत और नेपाल में हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों द्वारा अपने आध्यात्मिक शिक्षकों या गुरु का सम्मान करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाने वाला एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये हिंदू महीने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। हिंदू संस्कृति में गुरु पूर्णिमा महान ऋषि व्यास को समर्पित है, जिन्हें महाभारत, पुराणों की रचना करने और वेदों की वर्गीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। व्यास को हिंदू परंपरा में सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है। ये दिन अपने गुरु को सम्मान देने का भी समय है, जो ज्ञान और बुद्धित्वा प्रदान करते हैं। बौद्धों के लिए ये दिन भारत के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की याद दिलाता है। ये उनकी शिक्षण यात्रा और बौद्ध संघ की स्थापना की शुरुआत का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा के रीति रिवाज और उत्सव कुछ इस प्रकार है। नंबर एक, पूजा और अनुष्ठान। नंबर दो, उपवास और भोज। नंबर तीन, भजन और कीर्तन। नंबर चार, आध्यात्मिक प्रवचन। और नंबर पाँच, उपहार देना। गुरु पूर्णिमा का गहरा सांस्कृतिक प्रभाव है, क्योंकि ये शिक्षकों के प्रति सम्मान और गुरु शिष्य या शिक्षक छात्र संबंधों के महत्व को सुदृढ़ करता है। ये शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले आध्यात्मिक और शैक्षिक मार्गदर्शन की याद दिलाता है और उनके शिष्यों के चरित्र और ज्ञान को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है। आइए अब बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर और ऑप्शन डी अप्रैल। सही उत्तर है ऑप्शन बी जुलाई। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा किस महान ऋषि के सम्मान में मनाई जाती है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी विश्वामित्रा। सही उत्तर है ऑप्शन बी वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए व्यास पूर्णिमा, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी आषाढ़ पूर्णिमा और ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा। सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यास पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, वेदव्यास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए पराशर, ऑप्शन बी कृष्ण दैप्यन, ऑप्शन सी शुकदेव या ऑप्शन डी नारद। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कृष्ण दैप्यन। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा किस संस्कार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन ए गृह प्रवेश, ऑप्शन बी विदारम, ऑप्शन सी उपनयन और ऑप्शन डी अन्नप्राशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी विदारम। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का किस धर्म से विशेष संबंध है? ऑप्शन ए ईसाई धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी जैन धर्म। सही उत्तर है हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन ए धन प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए, ऑप्शन सी संतान प्राप्ति के लिए या ऑप्शन डी स्वास्थ्य के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेदव्यास ने कौन से महाकाव्य की रचना की? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत,
ऑप्शन सी भगवद गीता और ऑप्शन डी पुराण। सही उत्तर है ऑप्शन बी महाभारत। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से क्या किया जाता है? ऑप्शन ए व्रत, ऑप्शन बी दान, ऑप्शन सी आराधना, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से कौन सा व्रत रखा जाता है? ऑप्शन ए एकादशी व्रत, ऑप्शन बी पूर्णिमा व्रत, ऑप्शन सी अमावस्या व्रत और ऑप्शन डी शिवरात्रि व्रत। सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्णिमा व्रत। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का संबंध किस संस्कृत शब्द से है? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी विधा, ऑप्शन सी यज्ञ और ऑप्शन डी तपस्या। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का महत्व किस प्रकार से है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है, व्यास पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा अनुष्ठान मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन ए हवन, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी पूजा अर्चना और ऑप्शन डी भजन कीर्तन। सही उत्तर है ऑप्शन सी पूजा अर्चना। अगला क्वेश्चन है, व्यास पूर्णिमा का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन डी गीता। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुराण। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का संबंध किस महाकाव्य से है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भगवद गीता या ऑप्शन डी वेद। सही उत्तर है ऑप्शन बी महाभारत। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए द्वापर युग, ऑप्शन बी त्रेता युग, ऑप्शन सी सतयुग या ऑप्शन डी कलयुग। सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वापर युग। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा किस ऋतु में आती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी शीत या ऑप्शन डी बसंत। सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा किस देश में विशेष रूप से मनाई जाती है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा पर कौन सा फलाहार किया जाता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी नारियल
या ऑप्शन डी सेब। सही उत्तर है ऑप्शन बी आम। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से मनाई जाती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी गुरुड़ पुराण, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी स्कंद पुराण। सही उत्तर है ऑप्शन सी भागवत पुराण। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा पर किस ग्रंथ का पाठ करना शुभ माना जाता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भगवद गीता या ऑप्शन डी वेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवद गीता। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा किसके उपदेशों का पालन करने का दिन है? ऑप्शन ए देवताओं के, ऑप्शन बी माता पिता के, ऑप्शन सी गुरु के या ऑप्शन डी समाज के। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु के। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का महत्व किस प्रकार के ग्रंथों में वर्णित है? ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन बी पुराणिक, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा पर कौन सा उपहार देना शुभ माना जाता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी पुस्तक या ऑप्शन डी प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धर्म का प्रचार, ऑप्शन बी शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन सी गुरु के प्रति श्रद्धा या ऑप्शन डी समाज सेवा। सही उत्तर है गुरु के प्रति श्रद्धा। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए धन प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी स्वास्थ्य के लिए या ऑप्शन डी समाज सेवा के लिए। सही उत्तर है ज्ञान प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश या ऑप्शन डी गुरु। सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।